जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट तो बोलना गलत होगा क्योंकि ये पिछले 16 साल से अपनी सर्विसेज देते आए हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को। आई हैव मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव विद मी। जय हिंद ऑल ऑफ यू। नवनीत सर इज आर सीनियर मैथ्स टीचर हु हैज बीन टीचिंग एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए मैथ्स। सिंस हम लोग बैचेस अलग अलग चलाते हैं तो सर शुरू से ही एयरफोर्स नेवी मैथ्स अलग, एनडीए मैथ्स अलग लेते आ रहे हैं। आप सबकी डिमांड पे, क्योंकि आप सब ने कमेंट किया था कि सर हमें लास्ट मिनट मैथ्स की टिप्स चाहिए, पेपर इज ऑन 6th, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, गिनती के 2-3 दिन बचे हैं, तो आप सबके सामने आज मैं सर से कुछ 5-7-10 मिनट आप लोगों का लूँगा और सर से कुछ सवाल करूँगा जो आप लोगों के लिए लास्ट मिनट टिप्स होंगी। तो आज इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लास्ट मिनट टिप्स फॉर एनडीए प्रिटेनिंग टू मैथ्स सेक्शन, क्योंकि सर गणित के टीचर हैं तो हम लोग सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बात करेंगे। सर एक बार फिर आपका स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि एनडीए का पेपर है, कोविड का टाइम है, 120 सवाल हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये बताएं कि प्रेशर कम करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो पढ़ लें ताकि पता चल जाए कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब मेरा सवाल समझिए आप। हाँ, आपका सवाल मैं समझ गया। सबसे पहले सारे व्यूअर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं गुड लक कहूंगा आने वाले एग्जाम के लिए, और काफी अच्छी प्रिपरेशन आप सबों की हुई होगी, वेदर आप यहाँ के हैं या कहीं से भी आपने कहीं के भी व्यूअर्स जी किया है, आपने मुझे लगता है कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया है। जहां तक लास्ट मिनट की टिप्स की बात है, देखो प्रेशराइज होना बहुत ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही प्रेशर होकर इस एग्जाम के लिए जाएंगे। इस एग्जाम के लिए हमें मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपका मेंटल लेवल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के पहले जैसा सर ने बताया, घबराने की तो पहली कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज, सर ने पूछा हमसे कि भाई कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लास में भी मैं ये बताता रहता हूं कि 4 ऐसे पिलर्स हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के, जो कि उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो है कैलकुलस, एल्जेब्रा, ट्रिगो एंड कोऑर्डिनेट। इन 4 से तो आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके अलावा 3 सेक्शंस और हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप अगर प्रोबेब तैयार कर लेते हैं तो प्रोबेब से आप प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल प्रोबेब से आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। दूसरे, आपका अगर स्टेट्स तैयार है, स्टेटिस्टिक जो तैयार है वो अगर तैयार है आपका, तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, ठीक है। तीसरी और चीज, मैंने काफी रिसेंटली पिछला 5-10 साल के क्वेश्चंस को मैंने देखा है अभी रिसेंटली, उसमें मुझे जहां तक लगा कि अगर वेक्टर और 3D का कॉम्बिनेशन ये बच्चे बना लेते हैं तो उसमें इनका काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, और लास्ट में यही कहूंगा स्टूडेंट कि आपके जो स्ट्रेंथ है, यू जस्ट गो टू थ्रू योर स्ट्रेंथ। मैं ये नहीं कहता कि भाई आपने एल्जेब्रा तैयार करना है, आपने कैलकुलस तैयार करना है, जो आपकी स्ट्रेंथ अभी तक रही है। लास्ट मिनट के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने स्ट्रेंथ के थ्रू जाओ। मैं अगर ये कहूं कि भाई इस स्टूडेंट को ये तैयार करना चाहिए, उसको ये तैयार करना चाहिए, तो लगभग देखो मैथ्स में तो सारी चीजें हमें तैयार करनी है, लेकिन एक स्ट्रांग पोजिशन होता है कि हम स्ट्रांग किस में है। अगर हम स्टैटिक्स के लिए स्ट्रांग है, हम अगर प्रोबेब के लिए स्ट्रांग है, तो अभी लास्ट मिनट पे मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप उनको पहले अच्छे से कर लो, देन आफ्टर उन चीजों को जाओ। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स करके ही जाओ, वो तो मस्ट है। ये सर कितने लगभग सवाल आते हैं, लगभग कितने सवाल आते हैं प्रोबेबिलिटी के? प्रोबेबिलिटी के तो काफी ज्यादा, पिछले 10 साल का जो मैंने रिसर्च किया पूरे 10 साल में, प्रोबेब के कम से कम 10-12-15 क्वेश्चन आपके उसमें आने ही आने, ये बढ़ता ही है घटता नहीं है। अच्छा, हाँ, मिनिमम मैं जहां तक मैंने देखा है 10-12 सवाल हैं। 10 से, बिल्कुल व्यूअर्स आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी, 10 से 12 सवाल। पूरा का सेक्शन एक पूरा बना होता है प्रोबेब के लिए, प्रोबेब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। ठीक है, आप अब 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप खंगालोगे तो उसमें प्रोबेब का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये देखो कॉमन सी चीज होती है। अच्छा, दूसरी चीज अभी मैं आपको बता रहा था कि गो थ्रू योर स्ट्रेंथ।
अगर आपकी ट्रिगो ऐसा एक ईयर की मैं और बात कर रहा हूँ, देखो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है, एक ईयर मुझे ऐसा भी दिखा था जहाँ ट्रिगो से मुझे करीब सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 2012 में ही, मैं आपको बताऊं व्यूअर्स 2012 में हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पहले आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यस, अब आप सबसे पहले क्लास में कैलकुलस पढ़ाते हैं, यस यस, मतलब आपने भी ट्रेंड अपना बदला क्लास में, लेकिन एक ट्रेंड का सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट हम जैसा देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो कभी कभी ट्रिगो से ज्यादा आ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि लास्ट टाइम में आपने जो भी प्लानिंग आपकी बनानी है उसमें सबसे पहले स्टूडेंट ये प्राइम पोर्शन होता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन और क्वेश्चन रिजेक्शन का हमें देखना होता है। क्वेश्चन सिलेक्शन हमें तुरंत जाके क्या करना होता है, तुरंत जाके आप ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं जो आपका वीक पॉइंट है। अगर मतलब आपने, जब आपके सामने पेपर खुला, जैसे ही पेपर ओपन होता है, डोंट गो टू योर, जो भी अगर मान लिए बाय चांस किसी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ हम वेक्टर बढ़िया नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज वेक्टर के साथ स्टार्ट ना करिए, क्योंकि वहां अगर 10 मिनट आपका चला जाएगा तो बाकी सारे एग्जाम्स पूरे एग्जाम्स के लिए वो एक प्रेशर आपको, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, प्रेशर बना रहेगा, कॉन्फिडेंस आता है कि एक बार पेपर देख लिए, जो जो सवाल सॉल्व कर लिए तो लगता है कि हाँ भाई हर बैच के साथ, अपने जो भी बैचेस में लेता हूँ लास्ट मोमेंट पे, अभी चूंकि कोविड की वजह से हमारे सामने बच्चे आ नहीं रहे हैं, अदरवाइज मैं खुद बुला करके उनको एग्जाम से पहले यहाँ पर, आपको याद है हम त्रिशूल में, हमारी खासियत ये है त्रिशूल की, सबसे बड़ी सबसे प्राइम चीज आज मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जाम के ठीक पहले, विद इन ठीक पहले, बिल्कुल एक हफ्ते पहले, हम पूरा बच्चों को बुला करके एग्जाम की एक एक बारीकियां, एक एक चीज हम बताते हैं, कैसे क्वेश्चन उनको सिलेक्ट करना है, कैसे उनको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये हम गो थ्रू जाते हैं पूरे पूरे वीक, वो हमारे साथ रहते हैं। इस बार कुछ ऐसी चीज है, आप देवी आप या हम कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, तो फिर भी हम अपने एफर्ट के साथ जा रहे हैं, ऑनलाइन बिल्कुल वीडियोस के थ्रू बहाने बिल्कुल जा रहे हैं, बहुत नॉलेज में बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, और न सिर्फ त्रिशूल, अदरवाइज इरादा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि आप कहीं के भी हो बच्चे, आप कहीं के भी बच्चे, हर बच्चे हमारे लिए इक्वल हैं, और आप कहीं भी रह के, देश के किसी भी कोने में रह के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश ये है कि इस एग्जाम में आप बेहतर कर पाए। तो मेरा यही सलाह रहेगा स्टूडेंट कि अपने पावर को देखो, आपने पूरे थ्रू आउट ईयर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगे थे, जो आपको बहुत ही आसान लगे थे, उनको उनको सबसे पहले आपको तैयार करना है, देन आफ्टर जब आपका वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा तो बाकी चीजें फिर आप, तो वहां जाके आप ओपन करो, सबसे पहला काम आपको करना है कि गो थ्रू जाना है किसके, जो इस क्वेश्चन में आप फुली कॉन्फिडेंस हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, हम वहां पे कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप, तो अपने डू और डाई वाली सिचुएशन बिल्कुल, इस वक्त या करो या मरो वाली, आप अपने स्ट्रेंथ पे जाओ। बहुत अच्छा पॉइंट बोला व्यूअर्स कि पहले पेपर खोलो और जो जो सवाल आते हैं उसको मार्क कर लो एंड पहले उन्हें सॉल्व करो, उसके बाद आगे जाना। सर आपसे दूसरा सवाल यह है कि अक्सर क्योंकि मैं अकेडमिक्स देखता था तो मैंने ये देखा था कि आप सेट्स, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को एक साथ पढ़ाते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है एल्जेब्रा अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, कैलकुलस अलग पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अलग पढ़ाते हैं, ऐसा क्या है कि आप सेट्स के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स चारों का एक सीक्वेंस बनाते हैं? देखिए उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सेट के साथ सारे बच्चे, कोई भी बुक आप खरीदोगे तो उसमें सेट रिलेशन और फंक्शन एक साथ रहता है, वो एक कॉम्बिनेशन बनता है, बट वो एल्जेब्रा का हिस्सा है, यस एल्जेब्रा का एल्जेब्रा का पोर्शन है, बट आप सेट को अलग ही पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है, एल्जेब्रा में बाकी चीजें रख लेंगे, सेट का योगदान काफी, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है, तो सेट रिलेशन और फंक्शन ये तो तय है कि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोबेब और वेक्टर स्टैटिस्टिक की जो मैं बात कर रहा था जी, और 3D वेक्टर, वेक्टर के साथ 3D भी इंक्लूडेड होता है, तो वो एक 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 मैंने अलग से सेक्शन हमने बना के पढ़ लिया उसको, और उसमें हमने देखा कि इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं, तो हमारा दिमाग में ये चीज आ जाती है कि हमारा एक पोर्शन तो चलो इधर से हमारे जो चार पिलर है, एल्जेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, ये चारों को हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग तैयार, साथ में एक और ये साथ में एक पैकेज हमारा जो तीन सेक्शंस का है हमारा, जिसमें सेट रिलेशन और फंक्शन है, वो भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार है, तो हमारा
ये हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस जगेगा कि हम जाकर के एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये तो इनका कंट्रीब्यूशन, ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में व्यूअर्स, ये सर की ट्रिक है ना। आमतौर पे मैं भी देखिए वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, खुद पढ़ता हूँ। पहले एकेडमी कोऑर्डिनेटर था त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का, अब तो जरूर एकता मैम है। तो मैंने देखा था कि टीचर्स एल्जेब्रा में सेट, रिलेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन कवर कर देते हैं, बट सर हमेशा क्या करते थे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर थ्री डी को अलग से रखते थे और कहते थे कि भाई ये चीज़ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये इनका अपना ट्रिक है एंड आई एम श्योर जो इनसे पढ़ा है वो इनको बड़ी दुआएं देता है। चलें अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे सर। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सर एल्जेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल है, अपना सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन सब में सर ट्रिक्स हैं। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी इनमें ट्रिक्स है ही नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इनमें कुछ ट्रिक्स लगती हैं या नहीं लगती हैं इन क्वेश्चंस में। देखिए टाइम सेविंग ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है बच्चों की ओर से कि भाई ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना है हमें, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर ट्रिक अप्लाई होते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन जहाँ की हम ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो हमें बनाना ही होगा। देखो सबसे पहली चीज कि आपके सामने जो भी सवाल आ रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव है जिनमें ऑप्शंस हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगर हम आपको ऐसे 5 सवाल दे रहे हैं जो कि मैं खुद उसे बहुत जल्दी नहीं कर सकता, हर एक सवाल मेरे लिए खुद ही डेढ़ डेढ़ या दो दो पेज का बनने जा रहा है और कम से कम 4 से 5 मिनट में खुद लगा रहा हूँ और 1.5 से 2 पेज लग रहा है, तो क्या ऐसे 5 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव में जो आप कर पाए? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चलेगी कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी बने, कहीं ना कहीं कोई ऐसा फार्मूला लगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी ट्रिक लगे कि वो जल्दी बन पा रहा है। तो आप अपने दिमाग में, हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि माइंड में आप बैठा के चलो कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें ट्रिक है। बिल्कुल, आप खुद देखो कि भाई 2.5 घंटे के लिए या 3 घंटे जो भी आपका मार्जिन आता है उसमें कुछ समय तो लिखने में ऐसे करने में चला जाता है, तो एक ऑन एन एवरेज जो हम लेकर के चलते हैं तो जो पीरियड आपके एग्जामिनेशन का वो पूरा है उसमें इतना समय आपके पास नहीं है कि उन 120 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपके डेढ़ डेढ़ या दो दो पेज वाले, तो आपका वो एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, पर्पस ही नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो पर्पस नहीं होगा। बिल्कुल, तो वो उसके भी दिमाग में चल रहा है कि करना क्या है, तो उसने सेट जो किया है क्वेश्चन वो इसी वे में सेट मतलब किया है कि कहीं मतलब जिन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं यूपीएससी पैनल की बात। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो ट्रिकी अप्रोच का नहीं बनाऊंगा तो मैं क्यों उसको ऑब्जेक्टिव में दूंगा, एक सीधी सी सरल सी भाषा में। दूसरी चीज ये है कि देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप एग्जाम के 10 साल या 15 साल के क्वेश्चन को देखना चाहिए हर स्टूडेंट को, उससे आपको एक आइडिया मिलता है। जहां तक मैं पढ़ाता चला रहा हूं इसमें कम से कम मुझे ये चीज दिखी है, या नॉर्मली आप 10 साल 15 साल को देखेंगे क्वेश्चन को, उनमें करीब ऐसे 5-6% या आप 10% तक कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन के हिसाब से बनते हैं। ऑप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मतलब ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व करना, ऑप्शन देख के ही हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं, कई बार ऑप्शन देख के हमें अंदाजा हो जाता है, वहां पे वो ट्रिक बनती है। ऐसे 6-7% या कभी कभी 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शन से बहुत अच्छी टिप दी है सर ने कि 10% सवाल है, यानी कि 10 से 12 ऐसे सवाल है जो ऑप्शन देखते हुए आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप पहले ऑप्शन देखोगे और फिर सॉल्व करोगे। पहली चीज तो आपके सामने ये आ गई। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि ट्रिकी अप्रोच क्या है। देखो ट्रिक ऐसी चीज है कोई अलग से नहीं आती, ट्रिक उन्हीं क्वेश्चन से उभर करके आती है। अगर हमने कोई सी क्वेश्चन को किया है और क्वेश्चन को करते समय कोई ऐसा पॉइंट मिला है जहां से मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इतने दूर के लिए तो लेंदी था,
बाकी ये पर्टिकुलर फार्मूला रख के हम तुरंत ही आ जाते हैं, तो बीच के जो प्रोसेसेस हैं उनको हम हटा करके डायरेक्ट फार्मूला हमने लिख दिया, उस फार्मूला पे उन चीजों को बैठा दिया, वो हमारा टिकी अप्रोच बन गया। तो ये चीज होती है। तो ट्रिकी अप्रोच हर क्वेश्चन में आपका कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर ट्रिप या पर्टिकुलर फार्मूला एप्लीकेबल होगा, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज एक और काफी अच्छा क्वेश्चन हमसे स्टूडेंटों ने कई बार पूछा है मुझसे कि सर फार्मूला में रटता हूं तो फार्मूला मुझे याद ही नहीं होता, कैसे मैं याद करूं मैथ्स के फार्मूला। बहुत ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफी बच्चों की प्रॉब्लम है ये, और स्पेशली अब जब 2-3 दिन बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन बाकी हैं तो वो रटना शुरू करते हैं, वो फिर वो सोचते हैं कि मुझे फार्मूला याद हो जाए। स्टूडेंट ऐसा आप ना करिएगा, मेरा सलाह यही रहता है कि जब तक आप फार्मूलों को यूटिलाइज नहीं करते, आप क्वेश्चन जब तक उस पर नहीं बनाएंगे, आपको फार्मूले याद नहीं होंगे। फार्मूले तभी आपको याद होते हैं जब आप उस पर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बिल्कुल लास्ट मिनट की मैं टिप्स अपने स्टूडेंट को देता हूँ, हमारे त्रिशूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लास्ट मिनट की टिप्स यही होती है कि आपके पास अभी 2-3 दिन बचे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, आई हैव अ लास्ट 16 ईयर एक्सपीरियंस ऑन द बेस ऑफ दैट, एक बहुत ही अच्छी चीज तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि आप के पास ये 2 दिन जो बचे हैं, दो ही दिन बचे हैं ये कल से, अगर आप आज कोई एक कॉपी लेते हैं, बेसिकली कोशिश ये करना कि व्हाइट कॉपी लेना, क्योंकि व्हाइट में अगर आप कोई विदाउट लाइन वाली, बिल्कुल एक दिमाग में छपने वाले, देखो मेंटली चीज होती है, आपने उस कॉपी को ले, पतली से एक कॉपी को ले लिया, आपको करना सिर्फ इतना है कि लास्ट फाइव ईयर 19 से आप शुरू ना करना, क्योंकि बैक टू बैक वो रिपीट नहीं करता है क्वेश्चन को, तो पिछले साल मतलब 15 से चालू करें, 2018 से या 17 से 5 साल पीछे, ठीक है 5 ईयर बैक 13 तक 5 ईयर बैक आप क्वेश्चन को लगाना शुरू करें। उन क्वेश्चन में जो भी पैटर्न वही रहता है स्टूडेंट, पैटर्न वही रहेगा, उसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई फार्मूला है तो आपने क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखा, जस्ट बगल में उसी के जस्ट बगल में आपने उस पर्टिकुलर ट्रिक पर्टिकुलर फार्मूले को लिख लिया, फिर अगले क्वेश्चन के साथ यही किया, उसके सॉल्यूशन, उसका पर्टिकुलर कोई ऐसी ट्रिक आ रही है, ऐसा फार्मूला आ रहा है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, किसी टीचर ने बताया है आपको, या कहीं बुक से आपको दिखा है, या किसी सैंपल पेपर में ट्रिक दिख रही है, तो आपने उस ट्रिक को लिख लिया वहां पे। ऐसा करते करते अगर आपने 5 ईयर से कर लिया तो आपके पास काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से 120 को 5 से आप गुणा कर दीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे, उनके ट्रिक्स इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो आपका एक परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। और यकीन मानो कि आप बिल्कुल जिस दिन आप पिक पे हैं, बिल्कुल अगले दिन मुझे एग्जाम देना है, सैटरडे की रात को भी अगर मैं बैठा हूं और उस पर्टिकुलर कॉपी को अगर मैंने पलट पलट के एक बार भी देख लिया तो हमारा ये परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले वो सारी बारीकियां हमें दिख जाएंगी कि ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था, वो एक जो होगा फार्मूला वो आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि आप लास्ट फार्मूला आए तो याद भी रहेगा, बिल्कुल आपने उस फार्मूले को यूज किया है कि कैसे वो यूज होता है। एक साथ अगर सारे फार्मूले को हम करेंगे तो भूलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां हम रट रहे हैं, हम वहां यूज नहीं कर रहे हैं फार्मूले। फार्मूले को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी। आप क्वेश्चन के थ्रू फार्मूले को जाओ, आप कभी फार्मूला नहीं भूलोगे। सर मॉक टेस्ट का क्या रोल है, मतलब बच्चों को इस 2 दिन में क्या मॉक टेस्ट देने चाहिए, इधर कहीं से भी दें, कोई वेबसाइट से दें, त्रिशूल के ऐप से दें, पर क्या अभी जहां तक मेरी बात है, मॉक टेस्ट की बात आपने अगर बोली है तो मेरा जहां तक अपना ये सजेशन है, मेरा पर्सनल थॉट आप बोल सकते हैं, हम पर्सनली चल रहा है सर, आपका पीस ऑफ ये टीचर टू टीचर वेरी कर सकता है, बिल्कुल करता है, कर सकता है, करेगा। जहां तक मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि 1 वीक बिफोर अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 1 हफ्ते पहले तो तब तो ठीक है, वो इफेक्टिव है, बिल्कुल एग्जाम के 1 दिन पहले देना या 2 दिन पहले देना मुझे वो कोई मैटर नहीं लगता है, ज्यादा बेहतर एडवाइस है ये, ज्यादा बेहतर है कि आप वही 5 ईयर या 6 ईयर के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक से निकाल, खुद को कोई भी बुक से ले लें, किसी भी आप प्रैक्टिस सेट कोई ले लो, कोई या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, भाई हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि आप इसका लो फलाने का लो, आप तो वही करना, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वो लो।
कोई ऐसी चीज नहीं है, आप कुछ भी लेकर के। हाँ, दूसरी चीज है कि आप एक मॉक टेस्ट खुद को दे सकते हैं, भाई 3 घंटे का आपने 2.5 घंटे का समय निकाला, घड़ी को चलाया और पूरा पेपर एक हल कर, ताकि प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस बड़ी चीज है। वहां जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे खासे स्टूडेंट के हाथ पांव जो है फूल जाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप फेस कर रहे हो एट वंस। अगर कोई कहा जाता है ना कि एक चीज सामने आता है, एक बार पेपर देखेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन वहां मायने रखता है। क्विक रिएक्शन मायने रखता है कि क्वेश्चन आया, कैसे हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, हमने कैसे सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन मुझे पहले करना है, इन क्वेश्चन को हमें बाद में टच करना है, ये चीज मायने रखता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा एक यहाँ पे फैक्टर हो जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड, वेरी बैड है। मैं यही कहता हूँ क्लास में, मैं यही कहता हूँ बहुत बार व्यूअर्स, सर एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा, मतलब क्लास में ऐसा कभी कभी लगता है स्टूडेंट्स को कि हमें बहुत कुछ आता है। देखो, ये उनकी गलती नहीं है, ये टीनेज की गलती है। एडोलसेंस एक पीरियड होता है बायोलॉजी में, 13 से 19, उस वक्त खून बहुत गर्म होता है, लगता है कि यार मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। उस टाइम पे स्टूडेंट्स जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं कि नहीं, ये इसमें सर ट्रिक क्यों नहीं लग रही, इसमें ये नहीं हो रहा सर, इसमें ये नहीं हो रहा। बट धीरे 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 जब तक कोर्स खत्म होता है, जब तक 6 महीने खत्म होते हैं, जब तक 3 महीने खत्म होते हैं, जब तक साल भर खत्म होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार इस टीचर में दम है। तो कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंस रिजल्ट इन डिवास्टेशंस, बहुत बुरा हाल होता है ओवर कॉन्फिडेंस में। यहाँ ही नहीं, SSB में तो और बहुत बहुत बुरा हाल होगा। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि भैया जमीन से जुड़े रहो, कम वॉट में आप दुनिया में जितने बड़े बनो, जमीन से जुड़े रहो। इसलिए इनको कहा कि कई बार ऐसा क्लास में एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं जो वो 100 में 100 कर सकते थे, लेकिन ये था कि बस ओवर कॉन्फिडेंस, मैं इसे बस हो जाएगा मुझसे, बस टिक कर लिया, और वो क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो ये चीज हटा के जाना बिल्कुल, देखो बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज है, ओनली आई कैन डू दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, आई कैन डू दैट इज द कॉन्फिडेंस। तो ये ओनली आई कैन डू वाला जो है ये सिस्टम हटा दो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा सर होने वाला। अभी आपने क्वेश्चंस की बात की तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका क्योंकि अब आपके ऑनलाइन शूट्स हैं। 120 सवाल हैं सर, 120 में से कितना करें कि पास हो जाए, नैया पार हो जाए? ये देखिए, ये बहुत ऐसा, देखो ऐसा क्वेश्चन है, रोज ही पूछा जाता है आपसे तो। हाँ, ये हाँ। ये पहली चीज तो रोज पूछा जाने वाला सवाल है। दूसरा ये ऐसा सवाल है कि ये स्टूडेंट को एक एक, एक, एक भ्रम में डालने वाली स्थिति पैदा करता है कि उसे लगता है कि हमें कहाँ तक रहना है। एक क्योंकि एवरी ईयर हम डिस्कस करते रहते हैं कि एक बाउंडेशन होता है, एवरी ईयर इनके कट ऑफ तो बदलते रहते हैं, आयोग के कट ऑफ एवरी ईयर बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, ये चलता रहता है। तो हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप मैक्सिमम जितना सही कर पाओ, जितना सही मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया और उसमें गलत के चांसेस बहुत ज्यादा है तो नेगेटिव मार्किंग आपका इंतजार कर रहा है। आप जितना सही कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस वही है कि आपने मैथ्स में जितना सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, वही से आपकी ग्रोथ होनी है। ऐसा कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर रेंज तक हम पहुंचे, क्योंकि वहां फ्लक्चुएशन है। एवरी ईयर वो कट ऑफ्स बदलते रहते हैं, वो हम एक प्रिडिक्ट करते हैं, फिर वो उनकी मर्जी होती है। कोशिश स्टूडेंट ये होनी चाहिए, एक छोटा सा कॉन्फिडेंस, मैं तो अपने स्टूडेंट को बोल देता हूँ, छोटा सा कॉन्फिडेंस, देखो मेरिट लिस्ट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है। मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल आगे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने 100 कर लिया या आपने 80 कर लिया या आपने 110 कर लिया तो आप बिल्कुल सेफ जोन पे पहुंच गए, ठीक है। आपको करना क्या, मैक्सिमम सही, अपनी बाउंड्रीज खुद ड्रॉ करो, आप अपनी बाउंड्रीज को मैक्सिमम आप सही करो। हम नहीं बोलेंगे कि जी 50 करके आओ, 60 करके आओ, नहीं, यू ड्रॉ योर ओन बाउंड्री। बिल्कुल, एक 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 कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सटीक प्रिडिक्शन हम कर पाए, मेरा यही कहना है कि वहां तक। अच्छा, दूसरी चीज, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ये रहना स्टूडेंट कि देखो, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि हमें कैसे मेरिट लिस्ट में जाना है
इतने सारे स्टूडेंट हैं भाई, लाखों स्टूडेंट आ रहे हैं, उनमें से इतने कम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, पता नहीं मैंने कितना किया। अगर ये चीज है एग्जाम के टाइम में इन दो दिनों में आपके अंदर आ गई, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लूज हो जाएगा स्टूडेंट। देखो एक बहुत छोटी सी लाइफ की थोड़ी सी लॉजिक चीज मैं बता देता हूँ। अगर आप फिजिकली कहीं पे गिरते हो, कहीं पे डाउन फॉल डाउन हो, तो आपको 10 लोग उठाने चले आते हैं, चलो भाई। लेकिन आप मेंटली कहीं पे डाउन होते हो ना, वहां आपको खुद उठना होता है, मेंटली आपको खुद उठना होता है। फिजिकली में तो चले कोई उठा देगा, मेंटली आपको खुद, मेंटली आपको अप होना है। आप दिमाग में ये बैठा के रखो कि अगर 200 का सिलेक्शन आयोग करने वाला है, 199 अदर है, एक मैं हूं, ये कॉन्फिडेंस लेकर एग्जाम में जाना है। उसके बाद आप ये भूल जाओगे कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, क्या किए हैं, वो सीधा आपका अटेम्प्ट होगा कि मैक्सिमम मैं कितना कर जाऊं कि मैं वहां पे खड़ा हूं जहां पे मेरा सिलेक्शन है। दिमाग में ये होना चाहिए। जब ये चीज बैठा के आप जा रहे हो कि इतने स्टूडेंट्स इतने सिलेक्टेड हैं, उनमें मैं एक हूं, आई एम प्रेजेंट देयर, देन योर एफर्ट विल बी 100% ओवर देयर। अगर आप अलग चीज के लिए जाते हैं, अगर आप मेरिट लिस्ट के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका माइंड वहां डिस्ट्रैक्ट होगा, मेरिट लिस्ट पे जाएगा, आपको स्टूडेंट बाकी नजर आएंगे, आपको लाखों की भीड़ नजर आएगी। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस के जा जाते हैं कि लाखों की भीड़ हमें नहीं देखना है, हमें उन 200 को, हमें 150 को देखना है, उनमें मैं वहां पे खड़ा हूं, दैट्स इट। एक आपको याद होगा हमारे यहाँ का एक संगम तिवारी आता था, उससे मैंने पूछा कि बेटा जब वो करके आया था वर्दी चढ़ा कर, का सिलेक्शन है, एक बहुत दूर सी चीज उसने बताई थी, ही सर्विंग एज ऑफिसर इन, और बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे काफी हमारे। देखिए वो कब वो संगम तिवारी से कब वो आप बन गया ना, अब सर क्या कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट थे हमारे, देखो वो पहले था, अब जब रैंक हो गई तो थे हो गया, यही डिफरेंस है। सर बताएं आप कहानी बता रहे तो उनकी एक कहानी मैं बता रहा हूँ संगम तिवारी की। उस बच्चे से जब मैंने पूछा, मैंने क्या एक दो बच्चों ने और पूछा था जब क्लास में आया था, मैं भी पढ़ा रहा था, कि उन्होंने पूछा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने एक ही जवाब दिया कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ वर्दी चल रहा था कि मैं वर्दी लगा के घूम रहा हूं बस, और तीसरा कोई चीज नहीं। यू शुड ड्रीम यार, सपना देखना चाहिए, यू शुड ड्रीम। जब आपके सामने टारगेट होता है ना, तब आपके लिए चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है, क्योंकि आपका एफर्ट 100% होता है। तो आप टारगेट को सेट करो, आप माइंड बना के जाओ कि वहां मुझे सेलेक्ट होना है, मुझे इसमें आना ही आना है, ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट में है, ये मान के जाओ। भले तुम्हें इसके बाद चाहे जितने अटेम्प्ट मिल जाए, लेकिन आप ये मान के जाओ कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट में है, मुझे वहां पे होना है, तब आपकी कॉन्फिडेंस है। और परफेक्शन में जाइए, मैथ्स में ज्यादातर सही करिए। ड्रीम से एक लास्ट सवाल भी आप सबके सामने, और बड़ा पर्सनल सवाल है सर। आप आरा के पास, बिहार के हैं सर, आरा से के पास किसी सा दूर है, हाँ। आरा के पास कौन सा गांव है सर? बड़ारा एक थाना क्षेत्र होता है। अच्छा, बड़ारा। तो आप वहां से उठ के आज, मतलब यू आर वन ऑफ द वेरी गुड मैथ्स टीचर्स, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट हैं या दुनिया के बेस्ट हैं, बट ही इज वेरी गुड, ही इज गिविंग रिजल्ट्स। तो क्या जर्नी थी आपकी सर, आरा बिहार से लेके यहाँ तक, कैसे पहुंचे, कैसे सोचा मैथ्स टीचर बनना है, मतलब मैथ्स से प्यार था शुरू से? देखिए शुरू से ये था कि आरा एक छोटा सा काफी वही गांव है, एक गांव में हम लोग का घर था। और आरा से कितना दूर था सर? आरा से करीब 14 किलोमीटर। अच्छा, एक छोटा सा प्रखंड पड़ता है, बड़ारा नाम है। तो काफी बच्चे अगर बिहार साइड के होंगे तो शायद जान जाएंगे। तो हम लोग का क्या था कि शुरू से ऐसा नहीं है कि बहुत ही किसी एक कॉन्वेंट में या ऐसे कुछ पढ़ा। तो अब बिहार बोर्ड के पढ़े हैं? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उस समय इतना कल्चर था नहीं, तो हम लोगों ने वहीं पढ़ाई की। अच्छा। और बिहार में ये चीज है कि बिहार में मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा। वहाँ की बुक्स अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो मैथ्स के मामले में बिहार इज गुड, बहुत बेहतरीन। सर जरा बिहार की तारीफ ज्यादा करते हैं। तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली है ऐसा। तो वहां से फिर बिल्डअप हुआ धीरे धीरे करते करते, और थोड़ा सा इतना इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो फिर हमें यहाँ पे आना पड़ा। आरा के नियरेस्ट इलाहाबाद था, पटना नहीं सोचा कभी?
पटना तो नहीं सोचा, इलाहाबाद सोचा। तो फिर धीरे 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 करते करते इसमें बस यही था कि मैथ्स के लिए जहाँ तक इंटरेस्ट की बात, बात रही है मेरी, यही रही है कि भाई मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया। एक इंटरेस्ट था कि भाई मैथ्स इतनी अच्छी सब्जेक्ट है कि उसे हमें बस बिल्कुल अचीव करना है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने अगर आ जाता है तो वो बनना चाहिए। एक 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 जुनून आप बोल सकते हो, जैसे आपको जुनून है, वर्दी का सर को जुनून है कि सवाल आए तो भैया सॉल्व होना चाहिए। एक शुरू से ही बचपन से ये जुनून रहा है कि कोई मैथ मेरे सामने आ गया तो बस उसको बना देना है। एक एक तरह से आप एनिमिटी बोल सकते हैं कि मैं मैथ का दुश्मन हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि आया तो बनाना है, नहीं कैसे बनेगा। तो ये थोड़ा सा करते करते फिर वहां से हुआ, तो फिर ये अभी तक ये जर्नी चलती है। आप ऐसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल, मतलब स्ट्रेस जैसे लोगों के लिए स्ट्रेस रिलीविंग है। मेरे को गाना बहुत पसंद है, मैं इंग्लिश सॉन्ग्स बड़ा पसंद करता हूँ, कभी कभी गजल सुनता हूँ जब स्ट्रेस में हो जाता हूँ। तो आप स्ट्रेस में होते हैं तो मैथ्स लगाते हैं? यही है। थोड़ा सा मुझे तो बहुत डर लगता है अभी भी मैथ्स से। अब उसमें मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, वही इंटरेस्ट आज मेरा प्रोफेशन बन गया है। और शायद आज सर के अक्सर सर पूछते रहते हैं कि सर आप क्लास में जाते हैं ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स आप बता देते हैं सर, बच्चे हमारे इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, वही जुनून वही चीजों की वजह से मैंने मैथ्स को इतना अलग अलग से कि भाई क्या मैं कर दूं, क्या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं इतना छोटा कर दूं और इतना अच्छा कर दूं कि वो हमारे स्टूडेंट के लिए आसान हो जाए, पूरी कोशिश यही रहती है। और शायद उसी वजह से जो भी हम अपनी ओर से जितना पॉसिबल हो सके वो दे पाते हैं बच्चों को और मैथ को आसान बना पाते हैं। एक छोटी सी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, कोशिश मेरी यही होती है कि मैथ को थोड़ा सा आसान बना। देखो टफ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैथ बहुत टफ है, मैंने बहुत ही मैथ्स के चलते बायो ली थी, बिल्कुल बहुत ही टफ है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि अपना कौन सा ऐसा ताकत में लगा दूं, कौन सी ऐसी चीज कर दूं कि हमारे से जुड़े जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो उनके लिए मैथ्स इजी हो जाए। सर क्या बुक मैटर करती है इसमें? आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, दिशा, आर्यंत, ये वो फलाना, एसके पब्लिशर, क्या ये रोल मैटर करता है कि भैया इससे नॉलेज मिलेगी या इससे सवाल आने के चांसेस हैं, या आरडी शर्मा लगा लो या एनसीईआरटी लगा लो? मतलब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है और इसमें ये इरादा नहीं है कि मैं किसी पब्लिकेशंस को प्रमोट करूं, क्योंकि त्रिशूल का अपना पब्लिकेशन है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की अपने पब्लिकेशंस हैं जो सर के नेतृत्व में ही मैथ्स की बुक्स लिखी जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे पूछूंगा कि रोल ऑफ बुक्स क्या है? ये होता है कि यार आरडी शर्मा कर लो तो एनडीए निकाल लोगे, ये कर लो तो जेई निकाल लोगे, ये कर लो तो बीएससी निकाल लोगे, ऐसा है? मतलब देखिए जहाँ तक बुक की बात है, बुक हमें एक रास्ता दिखाता है, एक वे दिखाता है कि हमें किस तरह से चलना है। अगर हम किसी कंपटीशन की बात करते हैं, आपके ही कंपटीशन की नहीं, किसी भी कंपटीशन की बात करते हैं, तो उसमें कोई बुक अगर हम लेते हैं तो उसमें एक एक रास्ता बताया होता है कि इसका पैटर्न आने के क्वेश्चंस के कैसे हैं और उन क्वेश्चन को करना हमें कैसे है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी बुक में इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन, देखो कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट एंड आई थिंक दैट बुक इज द बेस्ट बुक जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिखा है, अगर वो मैथ की हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर उसमें डिटेल्स काफी बेहतर तरीके से लिखे हैं, काफी समझा करके लिखे हुए हैं, वो आपके लिए एक बेहतर बुक है। मैं किसी एक रिकमेंडेशन में किसी को नहीं करूंगा और वो करना भी नहीं चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पे हमें हम नहीं कर सकते, देखो प्लीज हमारे पास बहुत पब्लिशर्स आते हैं कि सर आप ये रिकमेंड कर दो, आपको हम ये गिफ्ट देंगे, आपको ये ट्रिप्स देंगे, बट नहीं, हमारे यहाँ रोजाना एथिक्स सबसे ऊपर है भैया, वो हम नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना, मैं 15-20 साल का कॉन्फिडेंस ये एक्सपीरियंस है मेरा, तो उस एक्सपीरियंस के भरोसे में ये बोल रहा हूँ कि बुक्स वही अच्छी होती है जिसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब आपको अगर पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए अलजेब्रा कोई पोर्शन मैंने लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसने बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर हर चीज इतने अच्छे से समझाया है कि वो आपको बहुत अच्छे से एक एक फ्रेम समझ में आ जा रहा है, वो आपको
वो बुक मुझे, मैं वही बुक प्रेफर करूंगा कि भाई वो बुक ही आपके लिए अच्छी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैथ के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट आपका फार्मूला डेवलप नहीं होता है, विदाउट फार्मूला आपका ट्रिक डेवलप नहीं होता है, और मैथ्स बिना ट्रिक और बिना फार्मूले के आप लगा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो आता है कि कॉन्सेप्ट आपकी डीपली कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझाया गया है मैथ्स को उसमें, दूसरा आपका फार्मूला उसमें कौन कौन से लिखे गए हैं, कितना ट्रिकी अप्रोच से लिखे गए हैं, ये चीजें थोड़ी सी मायने रखती हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी कोई भी बुक आती है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2 दिन बाकी हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, कॉन्फिडेंट रहना, एंड सर जय बिहार ऑल्सो, बिहार की जय हो भाई। नहीं, बिहार जय हिंद बोलेंगे बिल्कुल, पहले जय हिंद, हिंद फिर बिहार की बोलेंगे, उसके बाद भी जय बिहार आता है, बट जय हिंद फर्स्ट आता है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।